shit. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will. Everything I'm working on, every night another song. Every quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होगा गाइस। तो आज की वीडियो में सीजन 13 में आने वाले 1 से 100 आरपी तक की लीक्स ले गया हूँ गाइस। कंफर्म लीक्स जो 1 से 100 आरपी तक होंगी सीजन 13 में, तो गाइस वो आज आ चुकी हैं ऑफिशियली, तो कंफर्म है गाइस। तो आज आपको उसी इस वीडियो में यही सभी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले गाइस लीक्स में लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम जो है भाई ये करेंगे, आउटफिट्स वगैरह देखेंगे, आउटफिट्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहला आउटफिट गाइस ये वाला आया है, रॉक एंड द रोल, पता नहीं रॉक एंड रोल सेट है ये वाला, तो चेक कर सकते हैं कैसा है। अगर मेरे से नाम पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो उससे मुझे थोड़ा मतलब माफ़ कीजिएगा, क्योंकि भाई इधर मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा जो कि भाई वीडियो में देख रहा हूँ मैं। तो अभी ये ब्लू कलर का एक सेट है, इसका नाम एंग्री मिया ऐसा करके सेट है, कोई मुझे सही से नाम नहीं नज़र आ रहा। सीजन 13 का आउटफिट गाइस ये वाला होगा, जो कि बहुत ही पहले गाइस लीक हो चुका था, डेढ़ महीने पहले गाइस ये लीक हो चुका था, ये वाला जो आना था सीजन 13 का आउटफिट। उसके साथ साथ गाइस इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो आगे ये वाला गाइज पपिट एजेंट सेट है, ये बेसिक वाला है, पपिट एजेंट बेसिक सेट है। उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा, फिर गाइज जो मैंने कल आपको दिखाया था वाइट कलर का वो वाला होगा गाइज। उसका इंटरमीडिएट के बाद क्या था पता नहीं क्या था, मुझे सही से नाम नहीं याद आ रहा उसका। ये आ गया इंटरमीडिएट गाइज इसका, तो इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद एक और सेट था उसका, मुझे पता नहीं क्या था, पपिट एजेंट करके। तो गाइस अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अभी तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तभी तो पपिट एजेंट सेट ये एडवांस, हाँ सॉरी एडवांस में था। तो आप जब ये बंदा मेल वाले करेक्टर पर पहनेगा तो गाइस कितना ओपी सेट लगेगा ये वाला, पता नहीं अब किस में आता है, कौन से क्रेट में आएगा या फिर 100 आरपी पे तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, लेकिन है सीज़न 13 का, पता नहीं अब क्या चीज़ है। इंटरमीडिएट उन्होंने तीन इनमें इसमें टाइप्स रख दिए हैं, तो सही से पता नहीं है क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद गाइस एक फायर रेंजर सेट है और ये रेड कलर में आएगा गाइस, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक फायर रेंजर के बाद एक आइस रेंजर सेट भी है ब्लू कलर का, वो भी आपने पहले देखा होगा ये वाला गाइस, ये है आइस रेंजर सेट। तो कैसा गाइस, जो कि एक का नाम फायर है एक का नाम आइस है, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन से बनाया हुआ, सीजन 13 भी बहुत ही ओपी होएगा गाइस। तो इसमें गाइस आपके लिए आगे सरप्राइज भी मैं लेके आऊँगा कुछ गिव अवे वगैरह पहले दूसरे वीक में। तो अब उसके बाद गाइस ये निबोला सेट देख सकते हैं, कैसा लग रहा है गाइस आपको ये वाला निबोला सेट ब्लू कलर का गाइस। तो ये उन दोनों का मास्टर सेट है गाइस, जैसे कि वो फायर रेंजर और आइस रेंजर सेट है, इन दोनों का मास्टर सेट है ये वाला। उसके बाद गाइस फायर रेंजर सेट का जो क्रेट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। एक तो फायर रेंजर सेट होगा, उसके साथ साथ गाइस ये इसके आगे ऊपर मास्क ये जो उसने मुँह में पहना हुआ है एक ये होगा, और उसके बाद एक ये रीमस्टीरियो वाला हेड गियर जो है जो कि हम WWE में देखते थे गाइज, ये एक वो होगा। उसके बाद गाइज सीजन 13 में आएगा आगे ये वाला ब्लू कलर का गाइज, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है गाइज पर्सनली, मतलब कईयों का नहीं भी लगा होगा लेकिन मुझे ठीक लगा गाइज ये वाला सेट। तो आपको कैसा लगा अभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल ब्लू है सारा ऑफिशियल। तो उसके बाद गाइज ये आ रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या, अल्ट्रा एलिवेट पता नहीं ऐसा कोई नाम, मुझे सही से क्रेट का नाम नहीं नज़र आ रहा। तो उसके बाद गाइज ये आइस रेंजर क्रेट देख लें आप, आइस रेंजर क्रेट में क्या आएगा, एक ये सीजन 13 आइस रेंजर सेट आएगा, उसके बाद आइस रेंजर मास्क आएगा गाइज, और आगे और भी ये है गाइज आइस रेंजर हेड गियर है गाइज इसका। तो उसके बाद वही गाइज ये वाला ब्लू वाला जो सेट है वो आएगा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये सभी चीज़ें गाइस, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना गाइस, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है गाइस प्लीज़ और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, आपके एक सेकंड लगता है गाइस, वीडियो को ज़रूर से लाइक ज़रूर करें। उसके बाद गाइस ये स्कारल की स्किन है, जो कि कोरियन वर्जन में पहले ही आ चुकी है, कोरियन वर्जन में अवेलेबल स्किन है सी, ग्राफिटी टैग पैन है ये वाला, आप चेक कर सकते हैं ग्राफिटी पैक टैग पैन है। तो ये आपको सीज़न 11 में, हाँ सीज़न 11 में इस तरह की स्किन्स आई थी सभी की, तो ये मेरे ख्याल से आई थी उसकी डासिया की, उसकी उस तरह का ये कुछ लग रहा है। उसके बाद ये वाला क्रिएट है गाइस, इसका नाम पता नहीं, रिक्वायर्ड करेक्टर, इसका भी नाम मुझे नहीं नज़र आ रहा, इधर से मतलब ब्लर है थोड़ा, तो इसलिए नहीं नज़र आएगा, तो इसके लिए माजरत है, सॉरी है। उसके बाद आप इमोट चेक करें गाइस ये वाला इसके सेट के,
जो कि आपने शुरू में इंट्रो में भी देखे होंगे। तो बस ये इधर तक ये इतना ही है, मतलब कि भाई ये वाला सेट। उसके बाद मैं आगे और छोटी छोटी लीक्स मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पिस्टोल की स्किन्स हैं और आगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। 100 RPA गाइस, तो सारा कुछ दिखाऊंगा आज आपको मैं जो कुछ है। तो ये देखें पिस्टल की स्किन है गाइस, टॉय एल फोर्स पता नहीं अलोरेंस पता नहीं ऐसा करके लिखा हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम बोलूँगा आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी गलत मैं बोल दूँ तो उसके लिए माजर था गाइस। उसके बाद गाइस ये एक और वेक्टर की स्किन आ रही है, तो वेक्टर की एक तो ये आएगी, एक स्किन जो है गाइस वेक्टर की वो परचेज बोनस में आई है, परचेज बोनस में मैं आपको जब ट्रेलर वगैरह लॉन्च हुआ तो उसमें आएगी। तो उसके बाद गाइस ये AUG की स्किन है गाइस, बहुत ओपी स्किन लग रही है गाइस, ये वाली बहुत अच्छी स्किन निकाली है इन्होंने AUG की, रॉक एंड रोल AUG। तो ये मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट RP में मिल सकती है गाइस, रॉक एंड रोल सेट के साथ रॉक एंड रोल ये वाली AUG की स्किन आपको फर्स्ट RP में मिल सकती है। सॉरी, तो उसके बाद जो है गाइस आगे आपको स्कार्ल की ये वाली स्किन है, तो ये वाली स्किन जो आपको मिल सकती है परचेज बोनस में, परचेज बोनस जब आप 90 या फिर 120 UC परचेज करेंगे उसके साथ आपको ये वाली वेक्टर की स्किन मिलेगी। तो ये स्किन इधर सब की थी, मतलब वेक्टर की स्किन है। तो आगे वीडियो गाइस थोड़ी अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत है, आज वीडियो जो है वो 11-12 मिनट की जाएगी, तो सभी कुछ बताना है आपको दिखाना है। तो गाइस ये वाला टायर रिवार्ड में गाइस सीजन 13 का टायर रिवार्ड ये कुछ ऐसा है जिसमें गन्स की स्किन है, मतलब कैसी AUG की, इसमें भी AUG की स्किन है। तो इस दफ़ा इन्होंने AUG और फैक्टर की स्किन इन दोनों पर बहुत ज़्यादा यानी कि गौर किया है, नज़रदानी की है गाइस, तो नज़रसानी सॉरी। तो उसके बाद गाइस आगे ये हेलमेट की स्किन है, हेलमेट लेवल 1 का इस तरह का गाइस रॉक एंड रोल हेलमेट। तो आगे इसका मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ये आ गया गाइस दूसरे वाला, इसका मतलब कि हेलमेट लेवल 3 पे आ गया। तो उसके बाद मैं आपको बैकपैक भी दिखाऊंगा, ये बैकपैक लेवल 1 पे आएगा, इसका नाम पता नहीं क्या है, एग लंच पता नहीं बग लंच ऐसा कुछ करके नाम है, तो सही नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो लेवल 2 कुछ इस तरह का नज़र आएगा गाइस, और लेवल 3 पे गाइस OP लगेगा बिल्कुल, ये लेवल 3 पे गाइस। तो अच्छा बैकपैक बना हुआ है, लेकिन लास्ट जोन में मरवा देगा गाइस ये वाला बैकपैक, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस स्मोक है, ये वाला आइस रेंजर स्मोक ग्रेनेड, आइस रेंजर स्मोक ग्रेनेड आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, तो ये वाला गाइस एक स्मोक है। उसके बाद आगे जो स्मोक्स वगैरह वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ, मतलब ऑर्नामेंट वगैरह आप चेक करें गाइस कैसे लग रहे हैं। पाइनएप्पल पीस प्रीस पता नहीं ऐसा करके नाम है इसका, तो ऑर्नामेंट है ये भी, आप बैक पर लगा सकते हैं, तो ठीक बना हुआ गाइज ये वाला भी OP में लग रहा है। तो उसके बाद गाइज मोटरसाइकिल की स्किन गाइज, क्या OP स्किन उन्होंने दी है गाइज, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मोटरसाइकिल की स्किन कैसी नज़र आई है, कैसी लग रही है। तो मोटरसाइकिल की स्किन के बाद गाइज हम आगे देखेंगे आगे क्या क्या और चीज़ें ये सीज़न 13 में ही आपको मिलेगा मोटरसाइकिल स्किन। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड, हाँ एक तो आई थी QBZ के साथ आया था ऑरेंज कलर का मोटरसाइकिल, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी स्किन है मोटरसाइकिल की जो आपको RP में मिलेगी। तो आगे आप ये देख सकते हैं गाइज प्लेन की स्किन, तो प्लेन की स्किन कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा नीचे ज़रूर से। ये देखें गाइज इसका नाम आइस रेंजर प्लेन, नहीं आइस रेंजर तो नहीं होगा नाम इसका, पता नहीं क्या होगा अब उसमें, इसका नाम है 8-bit fart ऐसा करके नाम है, फॉर्ट नाम है गाइज इसका, 8-bit fart प्लेन है। तो कैसा लग रहा है। उसके बाद गाइज हम फिशल लास्ट में आते हैं, लास्ट में आएंगे हम एंडी पे गाइज। तो एंडी करेक्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि एंडी में क्या क्या होगा। तो एंडी में हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये सभी चीज़ें ओवरव्यू करने वाली हैं कि क्या कुछ होगा गाइज। तो आगे हम चलते हैं, आगे जो है एंडी MVP इमोट्स है ये वाले सभी, तो ये भी आप चेक करें कैसे लग रहे हैं आपको। उसके बाद गाइस इसके मैं और भी आउटफिट्स वगैरह भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड भी आएगा। तो गाइस जो मिथिक वाला वो बहुत OP लग रहा है, इसका सेट वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ आगे, तो मैं आपको चेक कराऊँगा। उससे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली इसकी कुछ हैट्स वगैरह और मास्क वगैरह, ये वाला ग्रीन वाला आप चेक करें गाइस ये कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक कीजिएगा। उसके बाद लास्ट वाला मैं आपको, ये एक तो रेड है ये वाला, ये पूरा जादूगर लग रहा है जैसे कि भाई बंदा पूरा मैजिशियन है,
ये भी अच्छा गाइस, फाइट वाला अच्छा लग रहा है, मैंने देखा नहीं था पहले लेकिन अभी ठीक लग रहा है। तो उसके बाद गाइस ये वाला एक आया है, इसका लास्ट वाला जो मिथिक वाला गाइस आउटफिट है बहुत ही ओपी है गाइस, मोशन आउटफिट है जिसमें मतलब मोशन भी नीचे से चादर वगैरह जो कुछ भी होता है वो हिलता है मतलब सारा। तो अच्छी बनी हुई है गाइस ये वाली ड्रेस, तो आपको कैसी लग रही है? मैं तो मेरा दिल है कार्लो ही लूँगा या फिर एंडी, पता नहीं हम क्या लूँगा, आएगा तो फिर ही पता चलेगा क्या कुछ लेना चाहिए हमें। तो आगे हम देखेंगे आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो मोट्स वगैरह ही कर रहा है, सारे मोट्स वगैरह मारेगा और दिखाएगा। तो ये मोट अच्छा है गाइस ये वाला, अभी ये MVP मोट है, मतलब कि जो जब आप MVP बनेंगे टीडियां वगैरह में या आगे पीछे तो तभी ये चलेगा मोट। तो ठीक है गाइस ये मोट भी अच्छा है। तो बस आज की वीडियो मतलब बस इतनी सी है, छोटी सी है, छोटी मतलब मेरे लिए छोटी है, आपके लिए बहुत बढ़िया गाइस 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मतलब कि 11 को बन गई है, अभी सारा आउटरो वगैरह लग के 12 की हो जाएगी। तो ये देखें गाइस इसका ये कुछ इमोट्स वगैरह, तो ये भी आप चेक करें जी कि इसका ये वाला एक इमोट है। उसके बाद बाकी भी इमोट आपने देखे होंगे ये वाले, ये चेक करें गाइस ये इमोट्स हैं इसके बाकी के। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल को, वीडियो को और सभी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो बस यही फिर से कहना चाहते हो सब्सक्राइब कर दें, बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर दोबारा मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।